दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के द्वारा एक धरना दिया गया। मालूम हो कि आदर्श महाविद्यालय का निर्माण किए जाने के बाद उसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन यहां के उद्घाटन को निरस्त कर दिया गया, लेकिन विधायक अजय टंडन को इस मामले की सूचना नहीं दी गई, जिसके विरोध स्वरूप एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, साथ ही उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। संपूर्ण दमोह एनएसयूआई पीजी कॉलेज धरना देने के लिए आई हुई है, क्योंकि आज आदर्श मॉडल कॉलेज का उद्घाटन होना था, जिसकी सूचना जिसके गेस्ट श्री अजय टंडन जी दमोह विधायक थे, लेकिन आचार संहिता के कारण उद्घाटन कैंसिल कर दिया गया और माननीय को कोई भी सूचना कैंसिल की नहीं दी गई। वो उद्घाटन के लिए कार्यक्रम के लिए मॉडल कॉलेज पहुँचे, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर प्राचार्य एवं प्रशासनिक कोई अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब इसके बारे में दो प्रोफेसरों जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हम लोग इधर पर घूमने आए हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसे ही जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जाएगा तो ये गलत है। एनएसयूआई इसका जोरदार विरोध करती है। विधायक किसी एक पार्टी का नहीं होता है, विधायक सभी जनता का होता है। अजय टंडन जी के सम्मान में आज एनएसयूआई धरना दे रही है। जब तक प्राचार्य महोदय से कोई हम लोगों के लिए आश्वासन नहीं दिया जाता है, ये धरना निरंतर चालू रहेगा। धन्यवाद। जय एनएसयूआई। अजय टंडन जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद। अजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।